अभी हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, बहुत छोटा सा एक एक्सटेंशन है उसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। कह रहे जो इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स है वो तो अफेक्ट करते ही करते हैं मार्केट सप्लाई को, वो सारे तो है ही है। वो सारे कौन से? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड लास्ट वन वॉज गोल्स ऑफ द फर्म। तो वो सब तो है ही है, उसके अलावा मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स क्या हैं? इन एडिशन, कि वो तो है ही है, और क्या है? नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। किसी चीज के नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा हैं तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, किसी चीज के नंबर ऑफ फर्म्स कम है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम है, तो उसकी सप्लाई कम होगी, मार्केट सप्लाई। व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस, किसी चीज में ज्यादा फर्म्स आ गई तो मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। However, the market supply will decrease if some firms start exiting. तो अगर number of firms कम हो रही हैं, तो supply कम होगी, number of firms बढ़ रही हैं, तो supply बढ़ेगी। Future expectations regarding the price. अगर किसी seller को लगता है कि आगे जाके इस चीज के prices और बढ़ जाएंगे, तो वह भी hold करना चाहेगा कुछ stock. Hoarding होती है, black marketing होती है, तो एज अ प्रोड्यूसर आप, मतलब वो तो नेगेटिव टर्म्स हो गई, होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अदरवाइज भी एक प्रोड्यूसर कुछ चीजों को होल्ड करके रखना चाहेगा अगर उसको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ना इसके प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इफ द सेलर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन द नियर फ्यूचर, देन करेंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन फ्यूचर एट हायर प्राइसेस। However, अगर सेलर को लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस गिर जाएंगे, तो वो अभी निकालना चाहेंगे अपनी कमोडिटीज को। तो अगर समर क्लोथ्स बनाते हैं कोई, तो अब विंटर में उनकी डिमांड गिरेगी ना, तो एंड ऑफ सीजन पे फिर वो निकालते हैं जल्दी से डिस्काउंट दे के भी, कि पता है आगे जाके और प्राइसेस गिर जाएंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर से बोलो। सर एक डाउट है सर, आपने अभी जैसे बोला कि अभी जब मान लो समर के क्लोथ्स बनाए थे सर, जब वो डिस्काउंट बेचेंगे उसका लॉस नहीं है सर? अरे वो तो सब अपना कंसिडर करके, वो चीज जो बनाते 100 रुपए में बेचते 1000 रुपए में, yes, 50% डिस्काउंट दे भी देंगे, तो वो अपनी सारी कॉस्ट कवर कर चुके हैं, वो सामान रखे रहेंगे तो उनका पैसा कितना ब्लॉक्ड है, उनको नेक्स्ट सीजन की भी तो प्रोडक्शन करनी है, तो वो सामान बेचेंगे तभी फंड्स रिलीज होंगे। वो जब डिस्काउंट देते हैं तो वो अपना सब कुछ कैलकुलेशन के बाद ही देते हैं, लॉस पे थोड़ी ना बेचेगा कोई सामान। यस ओके। लास्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब कनेक्टिविटी स्ट्रांग है, सामान कहीं से कहीं पहुंचाया जा सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, फोन, इंटरनेट, ये सब स्ट्रांग है, तो कोई भी कहीं पे भी कम्युनिकेशन, कहीं पे बात हो सकती है, कहीं पे भी सामान भेजा जा सकता है, तो फिर सप्लाई ज्यादा होगी। Proper infrastructural development like improvement in the means of transportation, communication, they help in maintaining adequate supply of the commodity. So factors affecting market supply, in addition to the individual supply factors, number of firms, jitni zyada hongi badhti rahengi, supply badhti rahegi, kam hoti rahegi, kam hoti rahegi. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है आगे जाके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आप अभी ज्यादा नहीं बेचना चाहोगे, अभी आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर लग रहा है आगे जाके प्राइसेस गिर जाएंगे, तो अभी आप सामान निकालना चाहोगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, कम्यूटिंग ईजी होगी, तो सप्लाई बढ़ेगी, नहीं होगा तो कम हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो सर, कि ये कैसे डिसाइड होता है कि आगे जाके प्राइस गिर जाएंगे या आगे जाके प्राइस बढ़ जाएंगे? ये कैसे डिसाइड होता है? ये होता है एक्सपीरियंस। अब अगर लॉकडाउन हो गया, अगर लॉकडाउन हो गया और वर्क फ्रॉम होम इंप्लीमेंट हो गया, तो अगर आपकी कंप्यूटर की दुकान है तो कैसी फीलिंग आएगी? बढ़ जाएगी। लैपटॉप्स हैं आपके पास बहुत सारे और मार्केट हो चुकी है बंद,
तो अब आपको पता है कि लोगों को चाहिए होंगे लैपटॉप, यस और नो? यस सर। अब होगी लैपटॉप की शॉर्टेज, तो आपको क्या लग रहा है वैसे आगे जाके प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर, स्मार्ट प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे? निकाल दोगे अभी जल्दी से सारे लैपटॉप्स, या अब आप इंतजार करोगे 15-20 दिनों का कि लोग परेशान होंगे कम, घर बैठे बैठे कैसे वो मीटिंग्स करेंगे कैसे? अब सबके पास अपने अपने लैपटॉप थोड़ी ना होते हैं, क्लास भी हो रही है, ऑफिस भी हो रहा है, अब चाहिए सबको अपने अपने इंडिविजुअल डिवाइसेस? यस सर। पहले चाहिए थे सबको अपने अपने इंडिविजुअल डिवाइसेस? नहीं सर, पहले तो लैपटॉप पड़े रहते थे, मतलब घर पे लैपटॉप कम ही खुलते थे, अब तो लैपटॉप ही खुले रहते हैं, टीवी फिर भी कम खुलते हैं। पॉइंट, आप जल्दी बेच दोगे या होल्ड करोगे उस चीज को? होल्ड करेंगे। और दूसरी बात, तो आपको पता चला कि कैसे पता चलता है प्रोड्यूसर को कि अब इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? यस सर। तो वो तो मार्केट में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जज करना इजी होता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या होने वाली है, डिमांड और शॉर्टेज होगी कि नहीं होगी। ओके ओके सर।